जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास अरोड़ा बिक्की में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ओकिनावा की लाइट मॉडल के बारे में। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये विदाउट लाइसेंस मॉडल है। तो एक बार इसका चारों तरफ देख लीजिए आप, काफ़ी बेहतरीन जो इसका मॉडल है आप देखें। और एक और खुशी की आप बात आपको बताता हूँ, इस मॉडल के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर जो छोटा बच्चा है या लेडीज़ है या बुजुर्ग हैं जो लाइसेंस नहीं बना सकते तो उनके लिए स्पेशली ये मॉडल बनाया गया है। तो दूसरा आपको बता देता हूँ, इसका मीटर देखिए आप, इसका मीटर डिजिटल दिया गया है, ये स्पीडोमीटर है, ये बैटरी है। अब देखें जैसे बैटरी के बारे में बताया गया 100%, 50%, 0%। ये लुक तो आपने चारों तरफ से देख लिया। इसके लाइट्स देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पावर द चेंज, ये ओकिनावा का जो स्लोगन बोल सकते हैं वो है पावर द चेंज। काफ़ी बेहतरीन है ये। इसमें जो है वो जो स्टार्ट होता है ये, इसमें चाबी की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल तरीके से स्टार्ट होता है। आप देखें ये अनलॉक स्टार्ट बटन दिया है, इंजन स्टार्ट और स्टॉप, जब स्टार्ट करेंगे तब भी ये बटन आपको ऑन करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। इसको जो आप सामान आप हैंगर जो बोलते हैं अगर लटकाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लटकाने के लिए भी दिया गया है छोटी सी स्पेस यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए। ये देखें मोबाइल रखने के USB चार्जर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी बात ये आपको बता दूँ, इसका जो सीट खुलता है वो भी रिमोट से खुलता है, तो इसमें ये स्पेस दी गई है। बड़ा हेलमेट तो आ नहीं सकता लेकिन छोटा जो हेलमेट रहता है वो आराम से यहाँ पे आ सकता है। और तीसरी बात ये जो इसकी बैटरी रहती है, सिंपल बैटरी, आप यहाँ पे बटन दिया गया है, ये चाबी दी गई है इसके लिए दी गई है। बैटरी का आप यहाँ से प्लग छुड़ाएंगे, चाबी को घुमाना है और आराम से आप बैटरी, बिल्कुल छोटी बैटरी दी गई है देख सकते हैं आप, आराम से इसको निकाल के, अगर आपकी स्कूटी नहीं पहुंचती है तो आप आराम से इसको निकाल के अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी बैटरी दी गई है, देख सकते हैं इसकी लाइट जो है कितनी बेहतरीन दी गई है। इसमें अलॉय व्हील है लेकिन इसमें जो पिछला टायर है इसमें मोटर दी है और अगले टायर में जो है अलॉय व्हील दी है। स्टैंड जो है वो देख सकते हैं आप, कितना बेहतरीन स्टैंड इसमें दिया गया है। पीछे जो आदमी बैठा है उसके लिए भी जो पैर रखने के लिए जगह दी गई है। और एक और अच्छी बात बता दूं आपको कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो कंपनी क्लेम करती है 25 किलोमीटर, लेकिन ये 40 किलोमीटर जो है उसकी स्पीड पकड़ लेती है। अभी आपको एक दिखा देता हूँ टेस्ट ड्राइव करके भी ये कैसे चलती है, उसकी लुक कैसी, एक बार आप देख लीजिए इसकी लुक। तो इसका जो है आप देखें आराम से 5 फुट 7 इंच का जो बंदा है आराम से बैठ के, इसमें स्पेस जो है थोड़ी सी कम दी गई है लेकिन आराम से बैठ के जा सकता है। इसमें दो बंदे जो है आराम से कैपेसिटी इसकी 150 kg जो है आराम से उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं, आइए आप दोनों तरफ जो है वो प्रेस किया गया देखा कि दो बंदे आराम से चल सकते हैं। इसमें जो 7 डिग्री का जो एंगल रहता है उस पर आराम से चल सकती है, 150 kg की कैपेसिटी जो है आराम से उठा सकती है ये। एक बात और बता दें, ये फुल चार्जिंग के लिए 3 से 4 घंटे लेती है, एक बार फुल चार्ज करके ये 60 किलोमीटर चलती है।